अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ SOC 401 के असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करूंगी। इसकी ड्यू डेट आपकी 7/6/2020 है। असाइनमेंट के मार्क्स 20 हैं। इसका क्वेश्चन है व्हाई देर इज नीड टू लर्न थ्योरी। थ्योरीज हेल्प टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग एंड प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फ्रॉम विच पीपल कैन वर्क। थ्योरीज एज एनालिटिकल टूल्स हेल्प टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन एंड मेक प्रिडिक्शंस एंड सराउंडिंग्स। कीप इन माइंड द मेजर थ्योरीज ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स इन बिलो गिवन टेबल। क्वेश्चन इसका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझे कि क्या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको सोल्यूशन की समझ आएगी। क्वेश्चन ये है कि नजरियात सीखने की जरूरत क्यों पड़ती है थेरीज को, और आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे लोगों को सोच फ्राहम करते हैं। थेरीज को समझने से लोगों को क्या मदद मिलती है, और आपने इसकी वजाहत भी करनी है। और उसके अलावा जो आपको टेबल दिया गया है, आपने बताना है कि ये थेरीज किन लोगों ने इंट्रोड्यूस की और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी खसूसियात क्या है। तो थेरीज का क्या तस्वुर होता है कि ये माशरती और जो नजरियाती कदरियात होती हैं, तर्ज अमल होते हैं, उनको समझती हैं, उनकी वजाहत करती हैं। उसके अलावा फिर इनमें जैसे जैसे एडिशन होता जाता है, चेंज आता जाता है, तो इसमें अजम्पशंस आती हैं, मफरूजे आते हैं, और ये हालात को देखते हुए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ज़्यादा हालात को डिस्क्राइब करती हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं, मफरूजे होते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसे हो सकती है या ऐसे नहीं हो सकती, तो फिर जब इसमें डेवलपमेंट होती है तो जो दूसरे लोग आते हैं, फिलोसोफर हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये जो भी हैं, जो चीज़ें जैसे जैसे इसमें लोग शामिल होते जाते हैं, वो इनमें और ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते जाते हैं, और ज़्यादा इनमें डेवलपमेंट करते जाते हैं, एडिशन करते जाते हैं, लोगों के नज़रियात को और ज़्यादा समझते हैं, माहौल की चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं, उन पर पेशींदगोयां करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये वाकयात क्यों रूनमा होते हैं या इनकी वजह क्या है या फिर इनमें चेंजिंग क्यों आ रही है। जैसे आप स्टॉक मार्केट का एक तज़िया ले सकते हैं, ठीक है, उन्होंने आपको प्रेडिक्शन भी कहा है ना, तो आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन की कंडीशन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन की जाती हैं कि इनमें आप कैसे आपको रेवेन्यू मिल सकता है या आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसमें फेडरल रिजर्व आपका क्या है, और जो और ज़्यादा एजेंसीज हैं उनके अदादोशुमार क्या है, या उनके जो भी लेटेस्ट या उनके एक्सपीरियंस वर्क होते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसकी बुनियाद पर प्रेडिक्शन की जाती है कि आप ये चीज़ इसका जो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको बताया जाता है कि नेक्स्ट कमिंग आप जो भी सेल्स हैं या आप बायर्स हैं या सेलर्स हैं, आप क्या चीज़ खरीद सकते हैं, क्या चीज़ आपको फायदा देगी या क्या नुकसान देगी, तो इस सब प्रेडिक्शन पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मफरूजे या अजम्पशंस इसमें दी जाती हैं उनको जांचा जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है कि ये फलसफा या जो भी फिलोसफी या साइंटिस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए आप काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब एक बंदा किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है या इन्वेंशन करता है उस पर, तो वो बेसिक्स चीज़ों को लेके चलता है, वो बेसिक्स पे काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती जाती है और ज़्यादा नज़रियात और ज़्यादा उसमें वाकयात शामिल होते जाते हैं, तो उसकी जो थेरी है उसमें कोई ना कोई क्रिटिसिज्म या कोई ना कोई रॉन्ग एनालिसिस निकल आते हैं। उसके बाद फिर लोग उसमें और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को, किसी वाकया को तफसील से बयान करते हैं कि आपने देखा कि अगर कोई बच्चा इम्तहान देने गया था तो उसका पेपर क्यों नहीं अच्छा हुआ, या तो उसकी आप उसकी जो कारकर्दगी है, उसकी जो रिजल्ट उसका जो आता है उस पर आप उसकी बेस पे आप उसका उसको एनालिसिस करते हैं कि इसने इतना बुरा रिजल्ट क्यों इसका आया, या क्या वजह थी कि उसको वहाँ पे पेपर भूल गया, या क्या था वो किसी दबाव में आ गया था, या ट्रैफिक की वजह से इम्तहान में पहुंचने में उसको देर हो गई कि उसका जो पेपर है वो रह गया, या फिर वो घबरा गया, या क्या मसला था कि उसने अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन नहीं की। ये सब चीजें आप उसको देखते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना होता है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये ऐसा इसके साथ हुआ। उसके अलावा और भी बहुत सारे वाकयात होते हैं, जैसे कोई किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप देखते हैं कि इसको क्या मसला था, कि अगर इसने कोई किसी गुस्से का इजहार किया है या इसने कोई किसी के साथ कोई अपना मिसबिहेव शो किया, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं, आप देखते हैं कि इसको क्या वजह थी, ये घबराहट का शिकार था, इसकी नाकामी की क्या वजह थी, अगर इसने इम्तिहान पास नहीं किया तो कोई घबरा गया था या कोई इसकी कुछ और में प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ों को आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि इसका बेसिक मकसद या इसके पीछे क्या रीज़न थी। उसके बाद जब भी आपको कोई थेरी दी जाती है, तो कोई भी आपके साथ तज़िया शेयर किया जाता है, तो उसको समझना भी ज़रूरी होता है कि वो थेरी क्यों दी गई, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे क्या डाटा था, उसके पीछे क्या रिजल्ट था, उन सबको आपको देखना पड़ता है। जब भी आप किसी बुक में कोई भी थ्योरेटिकल बुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई थेरीज होती हैं, तो बेसिकली आपको यही बताया जाता है कि ये थेरी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, इसमें क्या नजरियात थे, क्या वजूहात थी, ये कैसे इसको जज किया गया, कैसे इसमें हकायक अदादोशुमार और जो भी काम थे वो कैसे ऐड होते गए, कैसे इस तहकीक को आगे फर्दर इम्प्रूव किया गया, या इसमें क्या क्रिटिसिज्म किया गया, ये इसका मकसद क्या था, इसमें अगर प्रॉब्लम्स थी लोगों का इलाज कैसे किया गया, सब चीज़ें इसमें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई गैप आ रहा है थेरी में, तो उनको देखा जाता है कि ये थेरी क्यों ऐसे रह गई, इसमें क्या गैप आया, क्यों आया, और इसमें अगर कोई ज़्यादा एडिशन करने की जरूरत है तो कहाँ पर किन हदूद को किन चीज़ों
को मद्देनजर रख के आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। और आपको बताया जाता है कि इसमें क्या तसव्वुरात थे, किन की बुनियाद पे ये एडिशन किया गया। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल दिए गए हैं कि और आपके साथ एक टेबल शेयर किया गया, उसमें बताया गया कि ये थ्योरीज किन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई और उसकी खसूसियात क्या थी। तो आपने इस टेबल को फिल करना है कि ये टेबल किन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, उसकी खसूसियात क्या थी, इस पर बेस करती थी। सबसे पहले न्यू एवोल्यूशनिज्म की थ्योरी है, ये लेस्ली ए वाइट ने इंट्रोड्यूस करवाई और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि ये बेस करती थी एम्पिरिकल एविडेंस पे और हिस्टोग्राफी पे, मॉरल और कल्चर वैल्यू सिस्टम पे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिसिज्म था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जनरल फिलोसोफर कार्ल विलियम ने और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये सोशल लॉस को डिस्कस करता था, यूनिवर्सल लॉ को, सोशल नॉलेज को डिस्कस किया गया और एम्पिरिकल टेस्टिंग की गई इसमें। उसके बाद फंक्शनलिज्म थ्योरी थी, इसको इंट्रोड्यूस करवाया एमिले डर्कन ने और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उसने सोशल वैल्यूज को, सोशल ऑर्डर को, एजुकेशन, फैमिली, क्राइम और एविडेंस और मीडिया को डिस्कस करवाया। उसके बाद फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म था, इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी स्ट्रस ने और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि उसमें वर्ड्स प्रेडिक्शन को एनालाइज किया गया, जो आइडियाज जो प्रेडिक्शन की जाती थी उनको एनालाइज किया गया। उसके बाद वर्ड में जो दुनिया में जो लॉजिकल पैटर्न थे उनको अज्यूम किया गया, डेथ के जो सब्जेक्ट था उसको डिस्कस किया गया, डेथ के एनालिसिस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था आपकी इसका सोल्यूशन। मैं आपको बताती हूँ इसमें जो सबसे पहले मेन पार्ट उन्होंने ये दिया हुआ कि थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है और इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें आपने अच्छा खासा एक नोट लिखना है, आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जामिनेशन की प्रेडिक्शन दी कि स्टूडेंट एक एग्जाम दे रहा है तो उसको अगर कोई उसमें फेलियर हुआ है तो उसकी कॉज देखना पड़ती है कि वो क्यों फेल हुआ, ये प्रेडिक्शन होगी इसमें। और दूसरा आपको मैंने ये स्टॉक एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद आप कोई भी इसमें और भी प्रेडिक्शन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये टेबल है, इसको आपको डिस्क्राइब कर देना है। इसमें ज्यादा टेबल में तो आप प्रेडिक्शन ही कर सकते, बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स दें और जिस फिलोसफर ने या जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया आप उनका इसमें नाम दे सकते हैं। सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन है उसमें आप और ज्यादा एडिशन कर सकते हैं। आपकी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है तो आपने इसको अच्छे से रिच तरीके से इसको आप इसको रेडी करना है। इसमें अच्छा वॉल्यूम हो, अच्छी फाइल आपकी रेडी हो तो आप इसको रेडी करके सबमिट करवा दें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और फेसबुक का जो ग्रुप है मैंने क्रिएट किया है आप उसको ज्वाइन करें ताकि एक दूसरे की आप हेल्प कर सके। वहां पे मैं आपको फाइल भी एक्सचेंज कर दिया करूंगी जो आपको चाहिए तो आपके लिए ईजी होगा। और मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।